चलिए खबरों की ओर करेंगे। मध्य प्रदेश जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से कोहराम मचा हुआ है। मरीज के परिजन इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल इंजेक्शन के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं, वहीं मरीज के परिजन अपने स्तर पर इंजेक्शन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, कालाबाजारी का शिकार भी बन रहे हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल का है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन आशीष पांडे ने बताया कि उनकी माता जी अस्पताल में भर्ती है। मुझे पता चला कि मालवीय भवन में इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं अस्पताल से लिखवाकर इंजेक्शन लेने पहुंचा तो पता चला कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मैं अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद नहीं है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है हम भी इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपने स्तर पर इंजेक्शन की व्यवस्था करें। नौ जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है कोविड की वजह से, और हाल फिलहाल कहीं से जानकारी पता लगी थी कि ये मालवीय भवन में रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अस्पताल से जो है लेटर जारी करवा करके लाए हैं 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, और अभी हाल फिलहाल यहाँ पे पता ये लग रहा है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता जो है वो नहीं है। जैसा कि यहाँ से इंचार्ज ने बताया कि जो भी इनके अधिकारीगण हैं वो कहीं लाइन में लगे हुए हैं रेमडेसिविर के लिए, और तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद जो है देने का बोल रहे हैं।